हम पढ़ रहे थे स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट पढ़ा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड पॉइंट पढ़ा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। तो अब ये क्या हुआ? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन विद गिवन रिसोर्सेज प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। अब रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? स्केर्स। ये है हमारा रिसोर्स और ये हमेशा स्केर्स होते हैं। ओके, और उसके सामने हमारी डिमांड बड़ी होती है ना? ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि एक डिमांड खत्म होती है, दूसरी डिमांड चालू हो जाती है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं और डिमांड है इतनी बड़ी। तो अब क्या करेंगे? जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हम करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। सो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन दिखानी पड़ेगी, देन एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अब कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, अभी तक प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे रिजल्टिंग मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी। रिसोर्स स्केर्स हैं और डिमांड ज़्यादा है, तो कंज्यूम भी ऐसे करें और गुड्स डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे हों कि मैक्सिमम क्या हो, वेलफेयर हो एंड टोटल सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस दोज गुड्स डिजायर्ड मोस्ट बाय पीपल। अब मान लीजिए मेरे पास रिसोर्सेस स्केर्स हैं, मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ। मान लो कि मेरे पास वीट है, ओके, गेहूँ। अब इससे मैं चपाती बना सकती हूँ, दैट इज़ रोटी बना सकती हूँ, और या फिर मैं वीट को यूज़ करके केक बना सकती हूँ। अब चीज़ एक इतनी ही है मेरे पास कि या तो रोटी बन जाएगी या तो केक बन जाएगा। तो जो चीज़ दैट इज़ डिज़ायर्ड मोस्ट बाय पीपल वो चीज़ बनाई जाए, ये बोलता है एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। मेरे हिसाब से रोटी ज़्यादा मांगी जा रही है लोगों से बजाय केक के। ओके, केक इज़ अ लग्जरी बट रोटी इज़ अ नीड, चपाती इज़ अ नीड। तो वो वीट को किस में यूज़ करना चाहिए? टू प्रोड्यूस चपाती और रोटी। सो दैट इज़ एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस दोज गुड्स डिज़ायर्ड मोस्ट बाय पीपल। जो लोग सबसे ज़्यादा मांगे, रिसोर्सेस स्केर्स हैं, तो उस रिसोर्स को यूज़ करो टू प्रोड्यूस द गुड्स विच आर डिज़ायर्ड मोस्ट बाय पीपल। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर।